हेलो व्यूवर्स, तो क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड ज्योग्राफी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया विच मीन अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के जो ज्योग्राफी वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। किस वर्ड से? ये ज्योग्राफिया मीन ये एक ग्रीक वर्ड जोग्राफिया से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ आल्सो नाउन हैज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द साइंस ऑफ एरियल अरेंजमेंट ऑफ द अर्थ फिनोमिना एंड द एरियल डिफिनेशन ऑफ वर्ल्ड। मीन के अर्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड है, एक साइंस है। इट हैज़ मेनली थ्री ब्रांच, मीन इसके तीन ब्रांच है, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी एंड कंटेम्प्रेरी एंड हिस्टोरिकल जियोग्राफी। अब आते हैं क्रिएशन ऑफ अर्थ के बारे में, के इट्स सेड डेट अर्थ केम इनटू बीइंग एज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, इट्स ओरिजिन इज स्टिल डिस्प्यूटेड। मीन के ये जो अर्थ है ये सन की एक हिस्सा एक पार्ट है, ये उससे अलग होकर बना है। वन थ्योरी बींग डेट इट्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द स्वार्म ऑफ मेटोराइट विच अरोज व्हेन मैटर ड्राउन फ्रॉम द सन बाय अट्रैक्शन ऑफ पासिंग स्टार कंडेंसेंट। कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि ये जो मेन सूरज का टुकड़ा है वो सूरज से अलग हो के मीन कंडेंस हुआ है, सूरज से अलग हो के ठंडा हो के अर्थ बना है। तो सम फैक्ट अबाउट अर्थ, यहाँ पे हम लोग अभी फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ का साइज पोलर डायमीटर मीन पोलर एरिया में जो पोलर है वहाँ पे कितना है, 7899 माइल्स है। इक्वेटोरियल डायमीटर जो इक्वेटोरियल जो दरमियान का हिस्सा है वो कितना है, ये लोग बोल रहे हैं कि 79026 माइल है। पोलर सरकमस्टेंसेस जो पोलर जो सरकमफ्रेंस है मीन जो दायरा है एक पोल से दूसरे पोल तक, ये बोल रहे कितने के 2,48,059 माइल्स है। इक्वेटेरियर मीन एक इक्वेटर से ईस्ट से वेस्ट तक का जो दायरा है वो कितना है, 2,49,01 माइल्स है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ अर्थ टोटल सरफेस एरिया अर्थ का कितना है, 1,96,000 मीन इतना समथिंग है। लैंड एरिया कितना है ये आप लोग खुद देख सकते हैं, इतना ज़्यादा है। वाटर एरिया वो भी आप लोगों के सामने है। एज ऑफ अर्थ मीन के अर्थ की एज कितनी है यहाँ पे, यानी कि तकरीबन 5 बिलियन साल पुरानी है। डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.52 मीन के ये है इसकी डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो क्लोसेस्ट स्टेप और ये आप लोगों की काम की चीज़ें नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये स्पेयर ऑफ अर्थ के बारे में। तो इस लेक्चर में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जो ज्योग्राफी है वो क्या है, वो जोग्राफिया जो ग्रीक वर्ड से उससे निकला है। उसके बाद इसको जो है इट इज़ ऑल्सो नाउन एज साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन जो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या फिर मीन इसकी तीन ब्रांच है। और क्रिएशन में ये कहा है कि ये सन से टुकड़ा है उससे कट होके ज़मीन की तरफ आके कंडेंस हो गई, ये है। फिर इसकी साइज के बारे में हमने पढ़ा, एरियल एरिया के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।